एक सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि ये लोग जो नव नव बौद्ध हैं, नए नए बौद्ध बन रहे हैं और किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, क्या ये सही है? बहुत अच्छी बात है आप बौद्ध हो, बहुत अच्छी बात है। आप मुस्लिम हो, अच्छी बात है। आप हिंदू हो, वो भी अच्छी बात है। सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, आपको आपके धर्म पर, आपके मजहब पर गर्व होना चाहिए और आपके धर्म में जो कुरीतियाँ हैं आपको उनका विरोध करना चाहिए। और यदि आप विरोध नहीं करते तो आपको उन कुरीतियों से अपने आप को दूर रहना चाहिए। लेकिन आपके धर्म के प्रचार के लिए आप किसी अन्य धर्म को टारगेट करो, ये अच्छी बात नहीं है। अभी पिछले महीने दिल्ली में एक मूर्खों की सभा हुई थी जो काफ़ी चर्चा में थी, और एक मूर्खों की सभा अभी ये हुई है कर्नाटक में, जिसमें बौद्ध धर्म के जो नए नए अनुयायी हैं उन्होंने शपथ ली है, मैं गणेश कभी पूजा नहीं करूँगा, मैं लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करूँगा, मैं विष्णु जी को भगवान नहीं मानूँगा, मैं राम को भगवान नहीं मानूँगा। मत मानो, कौन कहता है तुम्हें मानो। अब मैं भगवान इनको मानता हूँ या नहीं मानता हूँ वो मेरी जिम्मेवारी है, किसी और की नहीं है। अब मैं बौद्ध में आस्था, बौद्ध धर्म में, जैन में, सिख में, मुस्लिम में या ईसाई में मैं आस्था रखता हूँ या नहीं रखता हूँ ये मेरा विषय है। लेकिन समस्या जब खड़ी हो जाती है जब मैं अपने धर्म को उजागर करने के लिए किसी और धर्म के जो है निम्न स्तर पे ले आऊँ, किसी और धर्म के प्रति गलत बोलना शुरू कर दूँ। आप बौद्ध धर्म के अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उनका प्रचार करो, ना कि किसी और धर्म के प्रति दुष्प्रचार, ये गलत बात है। अभी आपको सोचना चाहिए जिस धर्म के विरुद्ध आप बोल रहे हो आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, जिस धर्म के विरुद्ध आप बोल रहे हो महात्मा बुद्ध की उत्पत्ति वहीं से हुई है, जिन राजपूतों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को आप टारगेट बना रहे हो, आपके जो महात्मा बुद्ध हैं वो भी एक क्षत्रिय थे, उनके पिता क्षत्रिय थे, और क्या वो ये आतंक चाहते थे जो भीम आर्मी के नाम पर, जो बौद्ध धर्म के नाम पर आप आतंक मचाने की ख्वाहिश में घूम रहे हो, क्या वो चाहते थे? महात्मा बुद्ध यदि शक्ति के इतने लालची होते, धन के, संपदा के इतने लालची होते तो क्या वो एक बरगद के नीचे बैठ कर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके अध्यात्म ध्यान योग के अंदर जाते? तो आप खुद विचार करो, आप विचार करो, आप धर्म के विरुद्ध बोल रहे हो तो महात्मा बुद्ध किस देवी देवता के ध्यान में बैठे थे, कभी विचार किया? अगर सनातन पाखंड है, विष्णु भगवान पाखंड है, लक्ष्मी जी पाखंड है, गौरी गणेश पाखंड है, तो क्यों महात्मा बुद्ध किसी ईश्वर की उस प्राप्ति के लिए जो है बैठे हुए थे ध्यान मुद्रा में? आखिर महात्मा बुद्ध ने क्या प्राप्त किया, कभी विचार किया? या सिर्फ आपको किसी अन्य धर्म के विरोध में बोलने के ही पैसे मिलते हैं? हमें पता है आपको फंडिंग होती है, चाइना से फंडिंग होती होगी, पाकिस्तान से फंडिंग होती होगी, और भी अदर कंट्रीज जो हों वहाँ से फंडिंग होती होगी। लो आप उनसे पैसे, बहुत अच्छी बात है, अपना घर चमकाओ, अपने घर बनाओ, भारत में बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ आप, और कंपनियाँ चलाओ, फैक्ट्रियाँ चलाओ, आपके समाज के, आपके जाति के, आपके बौद्ध जो हैं उनको रोज़गार दो, हमें मत दो, उनको दे दो, सबको रोज़गार दो, ऐसा करो ना। ये आज कल जो है खास करके SC और ST समाज के विरोधी उनके नेता हैं, जो तरक्की कैसे की जा सकती है, शिक्षा प्राप्त कैसे की जा सकती है, इससे लोगों को भटकाते हुए कि आपके साथ अतीत में क्या हुआ, आज़ादी से पहले क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर से पहले क्या हुआ, ये बताते हैं, जबकि पूरी सच्चाई ये भी नहीं बताते। एक वो दिव्याकृति या फिर दिव्य शक्ति ऐसी कोई इंस्टीट्यूट का कोई प्रोफेसर है, कोई IAS IPS की तैयारी करवाता है, वो भगवान राम के वो प्रसंग लेके आते हैं जो बड़े ही गंदे हैं, और हवाला देते हैं कि ये भगवान वाल्मीकि रामायण में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आखिर हिंदू धर्म के ही प्रति क्यों ये लोग टारगेट करते हैं? क्या कारण है कि ये लोग जो
जो टॉलरेंस उत्पन्न करते हैं वो सिर्फ हिंदुओं के प्रति करते हैं, ईसाई के प्रति कोई नहीं बोलता, मुस्लिम धर्म के प्रति कोई नहीं बोलता, ईसाई क्रिश्चियन के प्रति कोई नहीं बोलता, जैन और हिंदू को ही क्यों टारगेट किया जाता है? जबकि इन सबको पता है देश में शांति अमन होगा तभी तरक्की होगी। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी मजहब कोई भी धर्म नहीं है जो सनातन से बाहर रहा हो। सनातन क्या है? सनातन वो है जो सत्य है, जो सच्चाई है, जो अच्छा है, जो अच्छाई है, जिससे दूसरे का विरोध ना हो, दूसरे का गलत ना हो, वो सनातन है। और आप लोग जो बुद्ध महात्मा बुद्ध के नाम पर जो आज कर रहे हो ये बहुत गलत है, और एक दिन इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और ये सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, सोचने वाली बात है, ये कर क्या रही हैं? आखिर ऐसा क्यों कर रही है? बोलती तक नहीं, क्यों? क्या ये चाहती हैं कि देश में गृह युद्ध हो? और पिछले 8 या 9 साल से मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को एक नाम दिया गया था कि एंटी मुस्लिम पार्टी है, और आज एक पार्टी तैयार हो रही है एंटी हिंदू। हिंदुओं के विरोध में सभी पार्टियां खड़ी हो चुकी हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, और एक ही नवजोत। जबकि बीजेपी का जो रवैया था वो थी एंटी मुस्लिम, वो अपनी विचारधारा को छोड़ चुकी है, वो वसुधैव कुटुंब की तरफ आ रही है। और जो अन्य पार्टियां हैं वो बीजेपी की चाल पर, जैसे पहले बीजेपी एंटी मुस्लिम होकर के केंद्र में सरकार बनाई थी और अब जमी हुई है वहीं पर वसुधैव कुटुंबकम की रीति को लेकर के, वैसे ही आज जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम भी एंटी हिंदू होकर के सरकार में आ सकते हैं। ये इनका वहम है। ये जो जो भी नेता जो भी शपथ लेते हैं, कभी हिंदू विरोधी, कभी मुस्लिम विरोधी, कभी सिख विरोधी, कभी जैन विरोधी, तो कभी ईसाई विरोधी, इन नेताओं का आम जनता को विरोध करना चाहिए और इनके विरोध में खड़ा होना चाहिए, रैलियां निकालनी चाहिए, तभी जो है हम कुछ कर सकते हैं। ये जो ठेकेदार हैं, इनके घर देखो, बड़े बड़ी फंडिंग होती है इनको, इनके बड़े बड़े महल हैं, घर हैं, अथाह संपत्ति के ये मालिक हैं। तो इन सब से जो है बचने के लिए हमें देश की एकता बहुत ज़रूरी है, और हमें विरोध करना चाहिए इन लोगों का जो किसी भी धर्म का विरोध करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गुरु।